हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोमिरा चाहिए। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी रात में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे ना एकदम से मेरा सांस बंद हो गया था, सांस ही नहीं था आ रहा। तो मैं तो रोमी को बोलती मुझे पानी गर्म करके तो मैं भाप ले लूँ, लेकिन ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी भाप ही लेने की। बिल्कुल ना मेरा सांस भी बात करी ना बहुत प्रॉब्लम हो रही बात करने में, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए रात में, तो फिर सर को भी उन्होंने कहीं कॉल कर दी थी, वो भी हॉस्पिटल आ गई। तो उन्होंने फिर 2 घंटे एडमिट करा था, ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए जो सांस के लिए होता है। तो शुक्र है खुदा का, मुझे फिर काफ़ी आराम आया। फिर नेबुलाइज वगैरह किया और मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने मैं दिखाती हूँ। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना यार कि मैं ठीक हो जाऊँ। हर साल ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हर साल ये सर्दियाँ आती हैं ना, मुझे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो डॉक्टर मुझे यही बोलती है कि आपको मिसकैरेज हुआ, तो उसके मतलब तब भी जो है ना सर्दी जिसम में लग जाती है। मुझे इतना पता नहीं था, मैं एसी वगैरह भी लगा कर, उस टाइम गर्मियाँ थी जब वो पता है ऐसा मेरे साथ हैपन हुआ था, तो मैं एसी लगा कर लेटी होती थी, पंखा भी चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का। तब भी जब ऐसे होता है तो सर पे कोई चीज़ मतलब बांधते हैं, ओम पे सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं, ख्याल रखते हैं बॉडी, बस अंदाजा ही नहीं था इन सब चीज़ों का। तो फिर मम्मी बोलता सॉक्स वगैरह लेकर आऊँगा वो पहन के रखना, डॉक्टर बोले घर पर भी आप होते सॉक्स पहन के रखो। तो बस बर्तन वगैरह वॉश कर आई थी थोड़े से, क्या संडे आपको पता संडे का दिन फिर आंटी नहीं आती, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था मैं उनको बुलाऊँ संडे का दिन, वो छुट्टी का दिन होता है उनकी। तो अभी गए रोमी आज कैश को लेने के लिए, कैश को बाजी छोड़ गई है अम्मी के घर पे, तो फिर रोमी वहाँ से ना कैश को लेने के लिए है। और मैं दिखाती हूँ अपनी मेडिसिन, आपको ये वाली डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी मुझे, ये तो नेबुलाइज वगैरह जो घर पर पड़ा हुआ ना उसके लिए, और ये एक मेडिसिन दी है उन्होंने, एक ये वाली दी है, और एक तो उसके अंदर है। स्लिप कर दी थी और ये स्लिप है, स्पेलिंग भी तुमने देखो गलत लिखी है, स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ये हॉस्पिटल मुझे यहीं से आराम आता है, महमूदाबाद में 6 नंबर यहीं से आराम आता है। तो ये जो है ना जब मतलब जाओ वहाँ पर, तो जाने की मतलब जो भी मतलब वो डॉक्टर की फ़ीस जो ना 300 होती है। मेडिसिन थोड़ी सी उनकी महंगी होती है, लेकिन ये है कि ना आराम आ जाता है, मेडिसिन थोड़ी महंगी है, इनकी ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, लेकिन ना आराम आ जाता है, ऐसे होता है। थोड़ी देर तक मिलती हूँ, मैंने बोला कल भी मेरा व्लॉग नहीं बना तो आज भी नहीं डाला, तो अच्छी बात है कि मेरी भी एक तरह रूटीन हो गई आप लोगों से अच्छे शेयर करने की। और मेरे हाथ देखो कितने कमज़ोर हो गए हैं, है ना, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, बस उसी फ्रेश होती हूँ। तो आप लोग एक गुड न्यूज़ दो, कैश जो है ना वापस आ गए, देखो सो रहा है, जब से आया तब से सो रहा है। पता है मैं रोज़ ना सुबह नाश्ते में 2 बॉयल अंडे खाती हूँ, तो जर्दी नहीं खाती ना, तो जर्दी रोज़ मतलब फेंकने में जाती थी क्योंकि रोमी भी नहीं खाते, तो मुझे इतनी याद आती कैश की जर्दी के। आज मैं जब कैश आया ना घर पर, मैं अंडा खा रही थी तो आग ना से बेड के ऊपर खड़ा हो गया, तो फिर मैंने उसको ना वो अंडा निकाल के दिया, खुद खिलाया खा के, तो वो तब से सो रहा है। मतलब कितना सुकून मिलता है इंसान को, है जब से आया सोया हुआ है, सोया हुआ है। हाँ नहीं, बाजी ने भी बहुत केयर की है, वो ना इसको बाहर बहुत घुमाते थे, ये जल्दी सो जाता था। और बाजी अपनी जगह सही है, मुझे ये बोली मेरा दिल लग रहा है तो मैं इसलिए छोड़ मतलब छोड़ गई हूँ, जल्द इंसान का दिल लग जाता है कुछ भी है। हाँ, और हमारा घर भी इतना खाली होगा था, जैसे जब से कैश किया था ना घर बहुत खाली था, इतना अजीब सा, लेकिन आज ऐसी है ना हमारा घर भरा भरा लग रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर है कैश। और मैं सोचा कैश से थोड़े से सर्दियों के कपड़े वगैरह लेकर आऊंगी, स्वेटर्स वगैरह सरदर से मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे जैकेट आज चल अभी जा रहे हैं ना सोपे ने, मुझे बच्चों वहाँ से लेते आते हैं। हाँ वही आते हैं, आज जाते ले आते हैं, वो भी लेके आने, रस्सी भी लेकर आनी इसकी। हाँ वो वाले लाऊंगा यार, लोहे की ये कहा जाता है, ये तोड़ता है, वो नहीं तोड़ेगा। तो अभी जो है ना मैंने कहा थोड़े से गर्म कपड़े निकाल लूँ, तो उस कमरे में टैची पड़ा हुआ है, वो लेकर आती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं थोड़े से कपड़े जो गर्म निकाल लेती हूँ, इनके जंपर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, चलते हैं फिर। और अभी मैं आई हूँ इधर, ये सारे कपड़े वॉश पड़े हुए हैं, गर्म कपड़े किस में पड़े हुए हैं, ये वाले टैची में तो नहीं है, इस पर ही पता नहीं कौन सा पड़ा हुआ ड्रेस, सारे कपड़े पड़े हुए। ये देखो ये डिजाइन, ये निकाल लेती हूँ, कम्बल अभी रख देती हूँ, इसमें नहीं शायद, इसमें है, इसमें सारी पड़े हुए मेरी जैकेट, ये भी सर्दी निकाल लो, भी पहन लो करूंगी।
क्रिसमस के दिनों में बैन होंगे। इसमें क्या है ये ना, इसको रहने दो, ये जैसे कोई मेहमान आएगा ना फिर निकाल लिया करेंगे, झाड़ वगैरह जमीन पे बिछाने। एक मेरी ये थी ग्रे वाली, ये आएगी भी या नहीं? आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी जान? मुझे नहीं लग रहा, बस सही थी कि इसको क्लोज करो। दो मैं वहाँ रख के आऊँ, ये भी दो। इसमें ही है एक और है, हाँ उसमें पड़े हुए बेगम, ये आपका कोड है, ये अभी ले लेना, पहन लेना। मैं तो बोल रहा हूँ अभी इस टाइम यार, आप कितना इतना एक ही कोड था कि बस ये वाला यही पहनती रहती थी ये, जब देखो ये वाला, ये एक तो नहीं था ये, यार ये मीरब ने दी है, मेरे को भी याद आया है। हाँ मीरब का था, लेकिन टाइम तो मुझे बहुत फिटिंग में आता था, इस दफा देख इतना लूज आया तो ऐसे फंसी होती थी मैं इसमें। अच्छा हाँ। तो यार वेट कम हुआ है, अच्छा खासा कम हुआ है, 12 दिन वजन कम करना आसान बात नहीं है। वैसे तो देखा जाए स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा ही। ये आपकी जैकेट, ये भी निकाल लो, चलो टी शर्ट के नीचे ना कभी पहन लिया करूंगा। और ये वाली जैकेट है, हाँ एक निकाल लो, ये तो मैं पहनूंगा। आप पहनोगे, आपको आ जाएगी, देखो जरा पहले भी आपको बहुत टाइट थी, अभी पहन के देखो जरा, चेक करो। वो यार भी नहीं थी होती, करो जरा पूरी, ये तो बंद होती नहीं थी पूरी। लेकिन फिर अच्छी लग रही है, पहन लेना आप। दुबई वाली वाली वीडियो देखना, उसमें ये कितनी इनको टायर्ड थी। और भी निकाल लें, शॉले वगैरह निकाल लूंगी। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, ये पता है किसकी? मम्मा की शायद, आपने बताई थी। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो ना यहाँ पे विन कर रहा है, अच्छी इवनिंग खेल रहा है, बहुत जबरदस्त और बहुत समझदारी से खेला है इन्होंने। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये आपकी जैकेट है, ये भी आपको जान, ये भी आप, ये भी देख लो ठीक, ये सारी चीजें संभाल लो अपनी जितने भी। हाँ ये भी निकाल लो, ये हाईनेक पहना करना, सही है ना, घर में भी यही पहन के रखना हाईनेक, अच्छा है। ये भी इनकी जैकेट, ये दुबई जाने से पहले ली थी ना हमने, ये हम कपड़े धो सकते हैं वो वाली मशीन में, लेकिन अब पोमी बोल रही है कि रहने दो वो मशीन हमने नहीं लेनी, पता नहीं पोमी का माइंड चेंज हो गया क्या। बस मैं तो यकीन करो बुकिंग भी करा के आ गया हूँ, बेगम पंचायत होगी, ये भी नहीं है, ये भी दुबई वाली है, ये भी दुबई वाली है, ये भी दुबई वाली है, और ये भी एक है आपकी, ये है बस, ये डन करें। सारे निकल गए हमारे सर्दियों के कपड़े, कपड़े। जो हम घर पहन सकते बकाया हम ले लेंगे, आउटसाइड जाना पड़ेगा या किसी के घर, तो वो नहीं ले लेंगे, ये घर में पहन सकते। ये इनमें से दो जैकेटें तो मेरी नहीं है, ये वाली कहाँ गई? और ग्रीन वाली, ये दोनों नहीं है मेरे को, तो नीड पड़ेगी, हो सकता है न्यूयॉर्क की एक जैकेट लूँ, बस बहुत है। बस अभी जो ना व्लॉग में कर रही हूँ एंड, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को अपलोड नहीं करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, तो मिलेंगे कल अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।